Assertion reason में योर कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, इसको ध्यान से पढ़ना होता है। जो स्टेटमेंट होती है इसको एक बार पढ़ो, नहीं समझ आई दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं समझ आई एक बार और पढ़ो। ओके, क्योंकि आप जो कुछ भी क्वेश्चंस में यूज कर रहे हो उसका ये अभी सेंटेंस फॉर्म में एक्सप्लेनेशन होती है। ओके, और जैसे ही आप ट्रू फॉल्स लिखोगे तो आपके उसी के ही मार्क्स है कि ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है, उसी से ही आपकी ऑप्शंस बनती हैं ए बी सी डी। ओके, दैट यू नो। तो कल हमने ट्रू इसके असर्शन रीजन किए थे, आज हमने जो आगे वाले हैं वो आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, यू ऑल्सो राइट इट। ठीक है, साथ साथ में समझना भी है और लिखना भी है। थर्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, कल हमने किया था फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है। ठीक है, सबको आता है वो करना? अगर लाइक है अरे तो इजी है, और अगर अनलाइक है तो भी आपको करना आता है कि कैसे उनका एलसीएम लेके हमने उनको या फिर लाइक बना के कंपेयर करना है। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन का है, कंटिन्यू करो जो आपने कल किया था। असर्शन रीजन, 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। प्रूव रेज योर हैंड एवरीबडी, और जिसको मैं बोलूंगी सिर्फ उसी ने आंसर बताना है। ओके, आई वॉन्ट टू सी कि सबको आता है कि नहीं। वेरी गुड, सबको पता है। दिस इज लाइक और अनलाइक, लाइक दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, और लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत ही ईजी होता है, पता है ना आपको? सिर्फ यस हमने न्यूमिनेटर्स को देखना होता है, नीचे तो ऑलरेडी वो इक्वल ही है। ओके, न्यूमिरेटर्स में जो बिगर है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन बिगर होगा, दैट यू नो। रीजन राइट डाउन ऑल्सो, रीजन अनलाइक फ्रैक्शंस कांट बी कंपेयर्ड, अनलाइक फ्रैक्शंस मैम फॉल्स कांट बी कंपेयर्ड कंपेयर्ड। ओके, राइट डाउन आंसर, आपको पता है, राइट डाउन फॉल्स। फॉल्स और ये फॉल्स क्यों है, कंपेयर कर सकते हो? यस यस, बाय टेकिंग देयर एलसीएम या फिर मेकिंग देम लाइक। ओके, सो दिस इज फॉल्स। तो हमारी कौन सी ऑप्शन आएगी इसमें? फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, रीजन इज सी फॉल्स, थर्ड सी ऑप्शन। यस ऑप्शन यस, यू कैन राइट सी इन फ्रंट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें फिर से हम कंपेयर कर रहे हैं असर्शन में। 5/6 इज ग्रेटर देन 13/15। 5/6 इज ग्रेटर देन 13/15। पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि दे आर लाइक और अनलाइक। दे आर अनलाइक, यस। ओके, अभी मैं जिसका नेम बताऊंगी सिर्फ वही आंसर बताएगा, सबने इकट्ठे नहीं बताना। ओके चलो, ऑल राइट, नाउ दे आर अनलाइक, वी हैव टू चेक विच इज ग्रेटर। ओके, 6C सेक्शन, कुलवीर भाटिया, 6C। सिक्स सी, आप प्रेजेंट हो बेटा? स्क्रीन पे तो नहीं आ रही आपकी क्लास। ओके, डी सेक्शन, डी सेक्शन, आई एम कॉलिंग द नेम, जोबन प्रीत सिंह। जो टू जोबन्स, ओके, कोई भी आ जाओ फिर, कोई बात नहीं। एनीवन जिसको पता है, यस, जल्दी से आ जाओ। आपने मेरे को आंसर नहीं बताना, जस्ट टेल मी कि हाउ टू डू अनलाइक फर्स्ट मैं फर्स्ट ग्रेड हूँ एलसीएम विल नीड टू टेक एलसीएम। वेरी गुड, टेक द एलसीएम क्विकली, एवरीबडी विल डू। ओके गुड बेटा, गो बैक, एवरीबडी विल डू।
सिक्स और 15 का जल्दी से एलसीएम ले लो, सबको पता है। 2 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, 1 5। व्हाट इज एलसीएम? 30। मैम 30। ओके, ये आपका रफ कॉलम में होना चाहिए। रफ कॉलम में आपने एलसीएम लेना है और यहाँ पे 30 लिखना है। गुड। नाउ सबने आंसर नहीं बताना, आई विल कॉल द नेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलसीएम लेके आपने ऊपर क्या लिखना होता है, राइट? 6B सेक्शन, सानिया। बी सेक्शन सानिया, हाँ जी बता दो बेटा, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? न्यूमिरेटर 26 क्या आएगा? 26 26। कैसे कैसे किया आपने? यस, मेथड बताओ मेरे को। आएगा यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? मैम 5। ओनली 5? और कौन बताएगा मेरे को? भरत सिंह, 6B सेक्शन। यस बेटा, बताओगे यहाँ पे क्या आएगा? 5 तो नहीं आएगा, दैट इज श्योर, है ना? 25। 25 ठीक है, दिस विल बी 25। सानिया, आपने 5 जो बताया था बेटा, 5 इससे पहले वाला आंसर था। 5 × 5 भी करना है आपने। वेरी गुड, 25 इज द राइट आंसर। प्लीज सिट डाउन। 25, और यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज 13। 26 26। सो यू कैन सी यस वेरी क्लियरली दिस इज बिगर। ओके, सो आवर स्टेटमेंट असर्शन इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स फॉल्स। दिस इज फॉल्स। ओके, रीजन? रीजन इज टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन। राइट डाउन, दिस इज अ स्टेटमेंट टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वी फर्स्ट गेट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, वी फर्स्ट गेट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इज इट ट्रू? यस, यू नो वी मेक देन ओनली वी कैन कंपेयर। अभी आपने एग्जाम्पल देख ही लिया असर्शन वाला, कि जब तक वो कंपेयर लाइक नहीं बनेंगे हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन इज डी। वेरी गुड, डी डी ऑप्शन, बिकॉज असर्शन वॉज फॉल्स एंड रीजन वॉज ट्रू। गुड, एवरीबडी इज नोटेड? यस ओके, अभी आपके बड़े असर्शन रीजन खत्म हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, लेकिन केस स्टडी में कोई बड़ा कोई पैराग्राफ नहीं है लिखने वाला। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन वन लाइन के। यू विल बी राइटिंग अलॉन्ग विद मी, जो जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी आपको भी लिखना है। ओके, क्योंकि मॉड्यूल आपके पास नहीं है। राइट डाउन द हेडिंग केस स्टडी। क्वेश्चन है, द फ्रैक्शनल नंबर्स गिवन टू अस आर एज फॉलोज। द फ्रैक्शनल नंबर्स आर, द फ्रैक्शंस आर, यू कैन से कौन कौन से फ्रैक्शंस है, लेट अस राइट इट। वो है हमारे पास 3/9, ध्यान से लिखना इनको, कॉमा 17/5,
देन 33/99, देन इट इज 5/9, देन 9/27, 16/9, 9/23, एंड लास्ट इज 9/5. ओके, दीज आर ऑल फ्रैक्शंस नंबर विच आर गिवन टू अस. ध्यान से लिखना इनको, अगर कोई गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा. फर्स्ट इज 3/9, देन 17/5, 33/99, 5/9, 9/27, 16/9, 9/23 एंड 9/5. काउंट कर लो, कोई मिस तो नहीं हो गया. काउंट करो, हाउ मेनी आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एट यस, एट है, फैक्टर. एट है. यस, वेरी गुड, एट होने चाहिए. तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये केस स्टडी क्वेश्चन है तो इसके नीचे अभी इसको देखते हुए आपने नीचे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? विच आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ओके. अभी सबने मेरे को जवाब नहीं देना, आई विल कॉल द नेम. ध्यान से देखो, 8 के 8 जो आपने फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं इनको ध्यान से देखो, ठीक है, और नोटिस करो कि इनमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से हैं. आई विल कॉल द नेम, ओके. जो कर लेगा आराम से बैठ जाना, गिवन यू 2 मिनट्स. मिनट एवरीबडी थिंक एंड यस, वेट वेट फॉर अदर्स. सबको करने दो. आई कैन सी हैंड्स, क्लियरली दिख रहा होगा सबको, है ना? इट इज नॉट डिफिकल्ट. इक्विवेलेंट कौन से होते हैं आपको पता ही है, जिनका रेशियो सेम आए. ओके, कोई आपको दिख रहा है कि आपस में कट रहे हैं, उनको काट के भी देख सकते हो. ओके, सिक्स सेक्शन फर्स्ट बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, प्लीज टेल मी कौन कौन है. 9/3, सॉरी 9, मैम 3/9, 3/9, ओके, राइट डाउन. 3/9, 33/99, 33/99, नाइन यस, बाय ट्वेंटी 9/27, सेवन 9/27. व्हाई दे बिकॉज आर इक्विवेलेंट, रीजन बताओगे? बिकॉज दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/3. बिकॉज देयर सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/3. जब आपने इनको काटा तो उनका आंसर 1/3 आ रहा है. सबको सबको सारे आपस में कट सकते हैं, ऊपर और नीचे. ओके, कैन यू सी? 3 को काटोगे तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, हेयर ऑल्सो 3 1s are 11s are, और यहाँ पे 1/3, 3 9s are, और यहाँ पे 3 यहाँ पे भी 9 3s are 27. सबको टेबल आता है, दिस इज ऑल्सो 1/3. सबकी रेशियो 1/3 आ रही है. सिंपलेस्ट फॉर्म में सबको करना आता है. सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म एक ही बात होती है. आपको पता है कि उसमें हम एक टेबल यूज करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, मेंटली सोचना है उसको, ठीक है, और जो आंसर आता है उसको हम यहाँ पे सामने लिखते हैं. ओके, किस किस ने ये ठीक किया है क्वेश्चन? रेज योर हैंड, जिसका 1/3 आया था. ओके, डी सेक्शन से किसी का हाथ नहीं दिखाई दे रहा मेरे को. हैव यू डन इट? 6D, वेरी गुड. ओके, काफी बच्चों ने किया है. किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी नो नो नोज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, और आपने निकाल लिया, वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन इज, इनको बेटा सॉल्व भी करो साथ साथ में, है ना, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं. यू ऑल्सो डू इट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शंस? विच आर लाइक फ्रैक्शंस? इन्हीं में से ही हमने ढूंढना है कि लाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं. यस, लाइक फ्रैक्शंस की आपको पहचान है, कल आपने बताया था. ध्यान से देखो, 8 के 8 को देखना. ओके,
ये रेज योर हैंड, किस किसने कर लिया? वेरी गुड. डी सेक्शन, डी सेक्शन, यस. थर्ड बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं, यस. बता दो बेटा जल्दी से, आगे आ जाओ. सिक्स डी सेक्शन, आई कैन सी यू. आ जाओ बेटा, यस. विच आर लाइक फ्रैक्शंस, कम कम. नाइन हाँ, 3/9, नाइन यस. मैं 5/9 5/9, 16/9 16/9, सब कठिन हो गए, इसलिए वो सारे. इसलिए वेरी गुड, सिट डाउन. ऑल आर लाइक बिकॉज ऑल हैव सेम डिनोमिनेटर. ओके, देन कम टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज, आर यू राइटिंग द क्वेश्चन ऑल्सो? ओके, Yes. विच कैन बी रिटर्न, विच कैन बी रिटर्न इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, विच कैन बी रिटर्न इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, वो देखना पड़ता है ना हमें कि मिक्स में सारे तो नहीं लिख पाते हम. कौन से फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हम मिक्स में लिख पाते हैं? सिक्स एफ सेक्शन, सेकेंड बेंच पे. यस बॉयज, कम एनी वन. यस बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में किस किस को कर सकते हो? कैसे फ्रैक्शंस होने चाहिए वो? Which denominator is small? यस, डिनोमिनेटर इज स्मॉल. इसका मतलब उनको नाम क्या होता है उनका? इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, यस. फ्रैक्शंस, तो इसमें बताओगे मेरे को कौन कौन से हैं बेटा जिनको हम कर सकते हैं? 17 बाय 5, यस, फाइव ये भी इम्प्रॉपर है. और 16/9 16/9, यस. 9/5 नाइन बाय 5/1 5, और कोई है इम्प्रॉपर? दैट्स इट, या कोई और भी है? दीज आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, तो दीज जिनको हम मिक्स में कर सकते हैं. मिक्स में करके दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि किनको हम मिक्स में कर सकते हैं. ओके, तो वो सारे होंगे जो जो हमारे इम्प्रॉपर बनते हैं. 17/5 हो गया, 16/9 हो गया, एंड 9/5 हो गया, जो कि इम्प्रॉपर है वो सारे मिक्स में कर सकते हैं. ऑल राइट, फोर्थ क्वेश्चन. विच आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, विच आर प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके, विच आर प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके उल्टे हो जाएंगे जो आपने अभी भी बताए, उससे लेफ्ट ओवर जो भी होंगे वो सारे प्रॉपर में आ जाएंगे. इज इट, क्या पहचान होती है प्रॉपर फ्रैक्शंस की? डिनोमिनेटर 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 बिगर, इज इट? ओके, चलो राइट डाउन, मैं भी लिख रही हूँ यहाँ पे, देन यू कैन मैच ऑल द आंसर्स. इट इज 3/9, 33/99. इसको लोएस्ट फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है. ओके, एज इट इज आपने आंसर बताना है. इट इज 5/9, देन 9/27. दैट्स नाइन बस, कुछ और तो नहीं है ना? नाइन 9/23 23, यस, 9/23. दिस इज ऑल्सो, देर आर सो मेनी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ रहे हैं इसके फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है. इज इट क्लियर? यस बेटी, ये तो आपको क्वेश्चन था कि विच ऑफ देम आर इक्विवेलेंट, विच ऑफ देम आर लाइक, विच ऑफ देम आर प्रॉपर. अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी आर प्रॉपर,
फिर क्या बताओगे? फ्रैक्शन फाइव हाँ यस, यू विल काउंट एंड राइट इट, ओके, यू विल से फाइव, आंसर विल बी फाइव, 1 2 3 4 5, ओके। तो इस पूरे चैप्टर में वैसे बेटा आपको ये पहचान होनी चाहिए, एक तो इनकी टाइप ऑफ फ्रैक्शंस होनी चाहिए, पता आपको कि लाइक कौन से होते हैं, अनलाइक कौन से होते हैं, प्रॉपर कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, और मिक्स कौन से होते हैं, और मिक्स कैसे बनते हैं वो भी पता होना चाहिए। आते सबको ये मिक्स कैसे बनते हैं? यस, यू नो, डिवाइड करके हम चेक करते हैं, कल हमने किया था उसको जब हमने नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस किए थे, ओके। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट इट। अभी ये मॉड्यूल 2 है आपका, यू कैन राइट द हेडिंग इफ यू वांट, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, मिसेस सोनी बॉट, राइट डाउन द क्वेश्चन, मिसेस सोनी बॉट 7 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दिस थ्री सॉरी 5 3/4, आउट ऑफ दिस 5 3/4 लीटर्स वॉज कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मीन्स यूज्ड, ओके। साइंस में भी ये वर्ड पढ़ते हो आप, कंज्यूम कर लिया मतलब उसको यूज कर लिया, राइट। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विद हर, कंज्यूम्ड हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, प्लीज राइट इन अच्छे गुड हैंड राइटिंग ताकि आप बाद में पढ़ भी पाओ इन क्वेश्चंस को। यस, राइट डाउन एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो। मिसेस सोनी बॉट 7 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क, आउट ऑफ दिस 5 3/4 लीटर्स वॉज कंज्यूम्ड, यूज कर लिया, एंड हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट। 1/3/4 आंसर। वेट, किस किसने किया, रेज योर हैंड, ओके। अभी सबको करने दो, वेट फॉर अदर्स ऑल्सो, ओके। आपके पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है लेफ्ट है, तो ऑफ कोर्स उसमें से आप माइनस करोगे, ये तो आपको पता ही है, ओके। टोटल जो हमारे पास है 7 1/2 लीटर्स, ओके, उसमें से हमने माइनस करना है 5 3/4, ओके। और जब भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होता है तो उसको हम एज इट इज यूज नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट वी हैव वन टू थ्री बाय फोर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 3/4 आंसर आ रहा है काफी बच्चों का, दैट इज करेक्ट, दिस विल बी 15/2, यस वेरी गुड, 23/4, ठीक है। व्हेन यू फाइंड द एलसीएम आई एम डूइंग फॉर वन दैट, थ्री बाय फोर यस वेरी गुड, ओके। रेज योर हैंड, किस किस का आ गया 1 3/4, ओके गुड। डी सेक्शन अभी कर रहे हैं, कर लो कर लो, आई विल वेट फॉर यू। ठीक है, कई बच्चों को टाइम लग रहा है करने में, सोचने में, ओके। हैंड्स डाउन बच्चे, यस आई हैव सीन, 6th थे, यस गुड, 1/3/4 इज द करेक्ट आंसर। पहले आपका इम्प्रॉपर में आंसर आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करके आप मिक्स में करोगे, इसलिए आपका 1 3/4 आ रहा है, ओके। तो दिस यू कैन कंटिन्यू, 1 3/4 इज 1/3/4 1 3/4, अब तो काफी बुका आ गया, फाइन दिस इज करेक्ट बेटा। अगर इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं कि 2 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो उनको कैसे हमने करना है एलसीएम लेके, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 1 3/4 लीटर्स, ठीक है बेटा।
ओके, आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू. ऋतु पेंटेड 2 by 5 ऑफ द वॉल स्पेस. 2 by 5 ऑफ द वॉल स्पेस इन हर रूम. इन हर रूम. दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, मिस नहीं करना कि हाँ, कई बच्चे अगर नहीं लिख रहे तो प्लीज टेक इट सीरियसली, डू इट. हर सिस्टर रश्मि. आर यू एबल टू रीड द राइटिंग? समझ आ रही सबको? यस ओके. हर सिस्टर रश्मि हेल्प हेल्प एंड पेंटेड थ्री बाय फाइव ऑफ द वॉल पीस. 3 by 5 ऑफ वॉल. ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूं मैं. हाउ मच इज लेफ्ट अनपेंटेड? हाउ मच इज लेफ्ट अनपेंटेड? मैं 1/5. वेट, सबको करने दो. थोड़ी थोड़ी आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है. स्टेटमेंट लिख रहे हो कि नहीं? यस ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ आंसर निकालते रहो, प्लस माइनस करके वो मुझे बताते जाओ. इफ 1/5. यस, इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स, पूरे अगर 3 मार्क्स लेने हैं क्वेश्चन में, तो उनकी स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी. ओके. किस किस ने आंसर बताया था? रेज योर हैंड. 1/5. 1/5 ओके. 1 by 5 कैसे निकाला? इस 6G सेक्शन, ये सेकंड बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं. यस, टेल मी द प्रोसेस. हाउ डिड यू डू? जी यस, जी सेक्शन बच्चे, सेकंड बेंच पे जो बॉयज जिन्होंने आंसर बताया अभी. 1 by 5 कैसे आया? मैं फर्स्ट बेंच ने बताया था. ओके, चलो आप बताओ. फर्स्ट बेंच. करके किसको किसमें से माइनस किया है बेटा? 2/5 को 3/5 से. 2 by 5 को 3 by 5 से आपने किया. 3 by 5 -2 by 5 ऐसे किया? ऐसे किया? यस मैम. यस किस किसने ऐसे ही किया? रेज योर हैंड. ये बिल्कुल गलत है. Why everybody look here? क्यों रॉन्ग है? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज स्टार लगा लो. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात सोचने वाली है. क्वेश्चन वॉज, रितु पेंटेड 2 by 5 ऑफ द वॉल स्पेस. कोई वॉल थी, ठीक है, उसमें से 2 by 5 पार्ट जो है वो रितु ने पेंट कर लिया अपने आप. ठीक है, उसकी सिस्टर ने उसकी हेल्प की और 3 by 5 ऑफ द वॉल उसने पेंट कर ली. ठीक है, तो हाउ मच इज लेफ्ट अनपेंटेड? दे आर आस्किंग लेफ्ट अनपेंटेड. अब जो वॉल की बात हो रही है, जो पूरी वॉल आपको दी हुई थी, आपको दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 3 by 5 एंड 2 by 5. हमने जो फर्स्ट डे जब हमने फ्रैक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था, आपने मेरे को वो डेफिनेशन बताई थी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल. तो होल पार्ट हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि टोटल कितना पूरी था? वॉल इज पेंटेड. यस, इट मीन्स कि वॉल के जो रेशियो, वॉल किसके इक्वल आएगी? 5 by 5 फ्रैक्शन ऑफ वॉल. पूरी की पूरी जो वॉल थी वो 5 by 5 थी. ठीक है, उसमें से 2 by 5
उस रितु ने पेंट की और 3/5 उसकी फ्रेंड ने पेंट की, हर सिस्टर पेंटेड रश्मि। ओके तो उसमें से 2/5 उसने की और 3/5 उसने की, प्लीज ऐड देम, कितना आ रहा है? 5/5 5/5 मीन्स कंप्लीट वन, वन ही हुई ना, 5/5 कट जाएगा, 1/1 इज वन, ठीक है। और टोटल वॉल हमारे पास कितनी थी? 5/5 टोटल वॉल, तो जो जिसको अभी हमने पेंट करना स्टार्ट नहीं किया तो उसको वन वॉल काउंट करेंगे ना, वन, 1 - 1 इज 0, कुछ भी नहीं बचा उसमें से, पूरी की पूरी पेंट कर ली। इज इट क्लियर? व्हाट शुड बी द आंसर? जीरो, 0 जीरो शुड बी द आंसर, कि कोई पार्ट लेफ्ट ही नहीं हुआ, कोई कुछ बचा ही नहीं। ओके आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस मोर, लिसन टू इट केयरफुली। इसमें ये जो क्वेश्चन था आपको, इसमें होल पार्ट के बारे में नहीं बताया था कि पूरी की वॉल का स्पेस की कितना है फ्रैक्शन, ठीक है। वो आपने खुद इमेजिन किया कि वो 5/5 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें ये दिखा रहा है 3/5 का मतलब 5 था, उसमें से थर्ड पार्ट उसने पेंट किया और सेकेंड पार्ट उसने पेंट किया। ओके तो हमें ये दिखा रहा है कि टोटल पार्ट जो था वो 5/5 था, जिसको हम 1 भी काउंट कर सकते हैं। 5/5 में से हमने क्या किया, क्या माइनस कर लिया जो उन दोनों ने पेंट किया था? दोनों ने कितना किया था? 5/5 हमने प्लस करके चेक कर लिया, दैट्स व्हाई लेफ्ट बता रहे हैं, तो हमने माइनस करना ही था इसको, तो माइनस करके हमारे पास 0 आ रहा है। एनी डाउट इन दिस? कुछ पूछना है किसी को? हेलो इज इट क्लियर? ओके अंडरस्टैंड, नो यस दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, मार्क इट। चलो आपने नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। थ्री बॉक्सेस वेट, राइट डाउन, थ्री बॉक्सेस का वेट कितना कितना है? 18, 3/4 kg, ध्यान से नंबर नोट करना बेटा। 18, 3/4 kg, 7, 1/2 kg एंड 10, 1/5 kg, 10, 1/5 kg रिस्पेक्टिवली। अ पोर्टर कैरीज ऑल द थ्री बॉक्सेस, पोर्टर कैरीज ऑल द थ्री बॉक्सेस व्हाट इज द टोटल वे कैरीड बाय द पोर्टर, व्हाट इज द टोटल वे कैरी बाय द पोर्टर। कंप्लीट द क्वेश्चन। ओके कई बच्चों को समझ आ जाते हैं तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन बीच में ही छोड़ के उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन कंप्लीटली लिखो क्योंकि मॉड्यूल नहीं है आपके पास। टोटल वे कैरिड बाय द पोर्टर, कैरिड बाय द पोर्टर। क्वेश्चन सिंपल है, ओनली थिंग इज नंबर्स को आपने केयरफुली सॉल्व करना है। ओके एवरीबडी नोज किसको प्लस करना है हमने, क्योंकि टोटल वेट निकालना है, पता है सबको?
ओके, नोट डाउन कर लो पहले। व्हाट यू डू इन दिस क्वेश्चन? एड और सब्ट्रैक्ट? एडिशन एडिशन। ओके, प्लीज डू इट। यस, एडिशन एडिशन है। इट इज 18 3/4। पहले इसको यहीं पे इनको कर लो, 7 1/2 एंड 10 1/5। इनको पहले से यही, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, फिर सबको ऐड करना, क्योंकि बिना इम्प्रॉपर किए आपको इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, प्लीज डू इट। रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करते जाओ और इसको सॉल्व करते जाओ। 36 of 9 by 20 आंसर। फर्स्ट टेल मी दीज ऑल इम्प्रॉपर, व्हाट इज कमिंग हियर? 5 by 4। 85 बाय, कितना आ रहा है बेटा? 75 by 4। 75 बाय 4। 75। यस, 75 बाय 4। यस, दिस इज 75 बाय 4। यस, दिस इज सेकेंड 15 by 2। 15 बाय 2। यस, 1 by 5। 51 बाय 5। ये सारे अनलाइन। ओके, यू हैव टू ऐड 75 बाय 4 प्लस 15 बाय 2 प्लस 50 बाय 5। ओके, टेक द एलसीएम एंड फाइंड आउट। आपका रफ एलसीएम इज 20। एलसीएम इज 20। ओके, ओके, 36 of 9 by 20 आंसर आएगा। सबको करने दो बेटा, लेट एवरीबडी डू। आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में था तो मिक्स में ही आंसर निकालो। आपका किसने निकाला 36 9/20? रेज योर हैंड। ओके, गुड। बी केयरफुल, जब भी आपका मिक्स में क्वेश्चन होता है तो आंसर भी मिक्स में निकाला करो। ओके, द वे ही हैज फाउंड, ही इज टेलिंग 36 9/20। 36 9/20 इज द करेक्ट आंसर। एवरीबडी डू। ओके, ये मिक्स तो आपका बाद में आएगा, पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा आपका, है ना? इम्प्रॉपर में आपके पास बनेगा 729/20। आपका एडिशन ठीक होना चाहिए न्यूमिनेटर में। ओके, फिर आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। इज इट क्लियर? प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन बेटा, ये नहीं सोचना कि आंसर पता चल गया तो अभी इसको बीच में छोड़ दो। स्टेटमेंट क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगता है, नंबर्स भी थोड़े से बड़े हैं। और जो बच्चे जल्दी आंसर निकाल लेते हैं, प्लीज मेक अ हैबिट टू रिवाइज इट, ठीक है? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हमने कर लिया और मेरे को आता था, मैंने कर लिया। कैलकुलेशन रिवाइज कर लिया करो, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। बिकॉज यहां तो मैं बता रही हूं आपको कि यस दिस इज राइट और रॉन्ग। एग्जाम में यू हैव टू कंफर्म योर सेल्फ बाय रिवाइजिंग। ओके, प्लीज एवरीबडी हैज नोटेड। जिनका रह गया यहाँ पे कैलकुलेशन, दे कैन डू एट होम, एंड इसका क्लू लिख लो, आंसर लिख लो, प्लीज कंप्लीट इट। ओके, लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग नाउ, क्वेश्चन नंबर 4। रीना ईट्स, सोच के करना बेटी क्वेश्चन। ये नहीं कि दो नंबर जो दिए हैं बस उनको प्लस या माइनस करना होता है, कुछ और भी सोचना होता है उसके बारे में। रीना ईट्स 1 फुल बार ऑफ चॉकलेट, 1 फुल बार ऑफ चॉकलेट, देन शी डिवाइड्स
देन शी डिवाइड्स अनदर वन इंटू फाइव इक्वल पार्ट्स। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ध्यान से अंडरस्टैंड करना कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है। द टोटल चॉकलेट शी हैज ईटन, टोटल चॉकलेट शी हैज ईटन इज इक्वल टू डैश, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, मैंने आपको वर्ब भी लिखा है तो इसलिए इसको यू हैव टू फाइंड आउट। कोई जल्दी नहीं करनी ये बताने में, देर इज नो हरी, थिंक इट एंड ऑब्जर्व इट व्हाट ऑल इज गिवन। यस बेटा, रीना ईट्स वन फुल बार ऑफ चॉकलेट। रफ में थोड़ी सी पिक्चर बना लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए आइडिया। वन फुल बार ऑफ चॉकलेट शी ईट, देन शी डिवाइड्स अनदर वन। इसका मतलब चॉकलेट एक और थी आपके पास, ठीक है, उसको आपने क्या किया इंटू टू फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। द टोटल चॉकलेट शी हैज ईटन, शी डिवाइड्स अनदर वन इंटू फाइव इक्वल पार्ट्स एंड ईट थ्री ऑफ दोज। ओके, थ्री इक्वल पार्ट्स यहाँ पे लिख लो बेटा, यहाँ पे ऐड कर लो। शी एट थ्री ऑफ इट, थ्री ऑफ इट मतलब थ्री पार्ट्स ऑफ इट, जो उसने पांच इक्वल पार्ट किए उसमें से थ्री खा लिए, ठीक है। लेट अस डू फाइव पार्ट्स, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। उसने कितनी खाई, ये थ्री पार्ट्स खा लिए उसने, इसमें से ये थ्री पार्ट्स भी खा लिए और ये पूरी भी खा ली। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ ओके, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इन द रफ कि कैसे उसको करना है। शी ईट्स वन फुल बार ऑफ चॉकलेट, एक कंप्लीट हो गई उसके पास, और उसके बाद इसने मैं 1 3 बाय 5 वन थ्री बाय फाइव, वन थ्री बाय फाइव। कल मैंने आपको बताया था कि जब हमने मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे हमने टू थ्री बाय फाइव लिखा या फिर फोर फाइव बाय सिक्स लिखा, इसका मतलब होता है टू प्लस थ्री बाय फाइव, कि टू कंप्लीट और साथ में थ्री बाय फाइव उसका पार्ट। सिमिलरली फोर फाइव बाय सिक्स का मतलब है फोर प्लस फाइव बाय सिक्स। ये प्लस साइन बीच में हिडन होता है, ये आपको खुद सोचना होता है कि अंडरस्टूड होता है कि बीच में प्लस का साइन है। दो पूरे और थ्री बाय फाइव फ्रैक्शन, यहाँ पे फोर पूरा कंप्लीट और साथ में फाइव बाय सिक्स उसके पार्ट्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास वन कंप्लीट की जब बात कर रहे हैं कि वन फुल बार ऑफ चॉकलेट, तो वन तो आना ही आना है और प्लस भी आना है क्योंकि उसने एक्स्ट्रा खाई, ठीक है। दूसरी में से कितना खाया, पिक्चर से आपको दिख रहा है और क्लैरिटी हो गई है कि टोटल पांच पार्ट थे, तो डिनोमिनेटर में आपके पास फाइव आएगा, 3 बाय 5 एट थ्री पार्ट्स ऑफ इट, इट मीन्स थ्री बाय फाइव, ठीक है। ये तो आपकी होगी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के हिसाब से। तो अभी लॉजिक आपका मैथ्स का क्या कह रहा है कि इट इज वन थ्री बाय फाइव और फ्यू चिल्ड्रन कैन राइट इट एज एट बाय फाइव, दिस इज ऑल्सो ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो ऑल राइट, बोथ आर करेक्ट आंसर, ओके। आपको इसको किसी भी फॉर्म में आंसर दे सकते हो, अगर ऑप्शंस होती हैं, मान लो आपकी एट बाय फाइव की ऑप्शन दी हुई है तो एट बाय फाइव को करेक्ट करोगे, अगर आपको मिक्स में फ्रैक्शन दिए हुए तो मिक्स वाला करोगे। इट्स ऑल राइट, यस।
ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? आज आपने जो स्टेटमेंट कोई वाले क्वेश्चंस किए हैं, किसी को कोई डाउट है? ओके बेटा, ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपने लिखे भी हैं, इनको रिवाइज घर जाके। ओके वेरी गुड, टाइम टाइम इज ओवर, इज ओवर। ओके टाइम इज ओवर, विल कंटिन्यू टुमारो, प्लीज रिवाइज। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओके बेटा। Are simple, are simple, but I have a play.